एपिसोड 90 90। राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञ स्थल पर बुला भेजा। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे असि प्रतीति सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे हूँ भव धनुषु विसारा मेली ही सिय राम उर्माला अस विचारी गवन हु घर भाई जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी जे अभिवेक अंध अभिमानी तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालौ किन हो सियहित समर जी तब हम सो यह सुनि अवर महिप मुसुकाने धर्मशील हरि भगत सयाने। सीय बियाह विराम गर्भ दूरी करि नृपन के जीति कोशक संग्राम दशरथ के रन बाखुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोदक निकी भूख बुताई सिख हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी भरी लोचन छबि लेहु निहारी
हर सुखद सकल गुण राशि। ए दो बंधु शंभु उर्वासी सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरिख मरहु कत धाई करहु जाई जा कहूं जोई भावा हम तो आजु जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे देख ही सुर नब चढ़े विमाना बरसही सुमन करही कल गाना। जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहे लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनीय ते उपमा दे कुक भी कहाई अजसु को ले जौपट तरियति य समसिया जग असी जुबति कहा कमनिया गिरा मुखर तन अरर भवानी रति अति दुखित अतनो पति जानी विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही कहिय रमा सम किनी वैदेही जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कछपु सोई शोभारजु मंदरु सिंगारु मथे पानी पंकज निज मारू एहि विधि उपजै लक्षी जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी कहहि सिय समतुल चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोहन वल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए रंग भूमि जब सिय पगुधारी
देखी रूप मोहे नर।